नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। सबसे पहले जम्मू से शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से दुरुस्त कर दी गई हैं और तैयारियों को लेकर आज आपको बताएं कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में साधु संतों का जत्था पहुंचना शुरू हो गया है। जम्मू के राम मंदिर में संत समाज का जमावड़ा लगा हुआ दिखाई दे रहा है और प्रशासन ने सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त भी कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राम मंदिर में ही साधु संतों की जो रजिस्ट्रेशन है यानी कि पंजीकरण किया जाएगा ताकि कोई परेशानी उनको ना हो। वार्षिक अमरनाथ यात्रा में हर बार देखने को मिलता है कि राम मंदिर में बड़ी तादाद में साधु संत पहुंचना शुरू हो जाते हैं और वैसे ही आज भी जो तस्वीरें हैं वो राम मंदिर की यही बता रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो बड़ी संख्या में साधु संत हैं वो राम मंदिर पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा को लेकर भी पूरा काम जो है वो पूरा बंदोबस्त किया गया है। और उसी के साथ आपको बताएं कि ये पूरे बंदोबस्त के साथ साथ प्रशासन ने पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन का भी जो काम है वो देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ जब पहले से ही, क्योंकि बड़े दिन पहले से ही ऐसा देखने को मिल रहा था कि दूर दूर से साधु संत राम मंदिर की तरफ आ रहे थे और राम मंदिर में उनके रहने की, खाने की हर तरीके की व्यवस्था की गई है। और अब भी जब वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत यानी कि 29 जून को जब पहला जत्था रवाना होगा जम्मू से, उसमें साधु संत भी बड़ी तादाद में रहेंगे और राम मंदिर में साधु संतों के लिए पूरे तरीके से बंदोबस्त किए गए हैं। उनके पंजीकरण से लेकर उनके खाने पीने और रहने की भी जो व्यवस्था है वो वहां पर की गई है। इसी के साथ आपको बताएं कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा 2 साल के बाद होने जा रही है और 2 साल के बाद अब श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन हो रही है, गाइडलाइंस जारी कर दी गई है प्रशासन द्वारा और इसी के साथ जो लंगर लगाने वाले हैं यानी कि जो सेवा करने वहां पर जाते हैं उनके लिए भी जो गाइडलाइंस है वो पूरी तरीके से तैयार की गई है, क्योंकि सुरक्षा के हवाले से इस तरीके की पूरे जो तैयारियां हैं वो करना बहुत जरूरी था और इसको लेकर प्रशासन पिछले 2 महीने से ही तैयार बैठा हुआ है। भगवती नगर की भी बात करते तो भगवती नगर में जो आश्रय गृह बनाए गए हैं वहां पर भी बड़ी तादाद में सुरक्षा का बंदोबस्त किए गए हैं। और वार्षिक अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जम्मू में देखने को मिल रही हैं। राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। साधु संत बड़ी तादाद में राम मंदिर पहुंच रहे हैं जहां पर उनके रहने की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ सुरक्षा के साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन की क्रिया है वो भी वहां पर हो रही है और रजिस्ट्रेशन को लेकर भी जो सुविधाएं हैं वो साधु संतों को दी जा रही हैं। इसी के साथ आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को मिल रहा है। भोले बाबा के भक्तों का जो उत्साह है वो साफ आप देख सकते हैं कि कितने उत्साह के साथ यहाँ पर साधु संत जो है वो जम्मू की तरफ रुक कर रहे हैं। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि आखिरकार राम मंदिर में किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। रितिका, आपसे ये जानना चाहेंगे, सुरक्षा के हवाले से पहले ये जानते हैं कि किस तरीके से जो इंतजाम है वहां पर किए गए हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में जो साधु संत है वो पहले से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब 29 जून को पहला जत्था रवाना किया जाएगा तो उस बीच साधु संत भी बड़ी तादाद में होंगे। जी बिल्कुल, सुरक्षा की अगर मैं बात करूं, तमाम तरह के इंतजाम जो हैं साधु संतों की सुरक्षा के लिए किए गए हैं, क्योंकि पहला जत्था जो है वो इन्हीं साधु संतों का रवाना किया जाएगा। इसी पे बातचीत करते हुए महंत रामेश्वर दास जी की तरफ से भी बताया गया, वो शुक्रगुजार थे। उनका कहना था कि डीकॉम एलजी मनोज सिन्हा और तमाम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से जितने इंतजाम किए गए हैं उन्हें उन पर विश्वास है कि इस बात की जो 2 साल के बाद जो यात्रा होने वाली है वो पूर्ण रूप से सफल होगी और जो ऋषि मुनि अपनी यात्रा पे जाते हैं, यात्रा के दौरान अमरनाथ के रास्ते में जगह जगह भी लोग डेरा लगा सकते हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन भी करते हैं, तो उसमें सक्सेसफुल तरीके से यात्रा को इस बार करवाया जाए। बिल्कुल रितिका, आपसे ये जानना चाहूंगी रजिस्ट्रेशन को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई है, कहाँ कहाँ पे काउंटर्स बनाए गए हैं राम मंदिर में ताकि जो साधु संत आए हैं वो अपना पंजीकरण करवा सके। जी बिल्कुल, पंजीकरण की व्यवस्था जो है वो भी वहीं पे राम मंदिर में की गई है और वहाँ पे से भी साधु संत पहुंच रहे हैं और आपको बता दें देश विदेश से लोग जो है इस बार आने वाले हैं और साधु संतों की मैं अगर बात करूँ देश के अलग अलग कोनों से वो वहाँ पहुंचे, उनके रजिस्ट्रेशन की पूर्ण रूप से व्यवस्था जो है वो वहाँ पे कर दी गई है।
और जैसे जैसे राम मंदिर में एकत्रित हो रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे हैं ताकि यात्रा से पहले सुनिश्चित हो सके कि कितने साधु संत जो हैं वो एक साथ एकत्रित होकर जाने वाले हैं और उनकी सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है वो किए जा सके। बिल्कुल रितिका, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि प्रशासन द्वारा कुछ ऐसे एहतियात बरतने की बात की जा रही है, जो भी श्रद्धालु वहां जाएंगे यात्रा के लिए जाएंगे, तो क्या यहाँ पर जितने भी साधु संत आ रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए कोई ऐसा शिविर लगाया गया है जहाँ पर उन्हें पता चल सके कि क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है यात्रा के दौरान? ये आपको बता दूं कि यात्रा के दौरान एहतियात बरतने को लेके और साथ ही साथ पूर्ण रूप से जिन जिन बातों का ध्यान रखना है इन सब चीजों से जागरूक करवाने के लिए आम जनता और साथ ही साथ साधु संतों के लिए भी जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में भी एक कैंप का आयोजन किया गया है। और उसके अलावा जहाँ पे राम मंदिर में इन साधु संतों को रुकवाया गया है वहाँ पे भी तमाम तरीके की जो भी इन्हें सुविधाएं हैं वो दी जा रही है और इन्हें ये भी बताया जा रहा है कि कौन कौन सी बातों का इन्हें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान जो एक फिजिकल इनका रहता है, फिजिकल रूप से फिट होना जो है वो साधु संतों का भी अनिवार्य है। तो ये तमाम तरीके की बातें हैं जो इन लोगों को बताई जा रही है जिसके तहत इन्हें यात्रा में आगे जाने के लिए फिक्र आएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका, और वहीं पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर चल रही है और जिसको लेकर साधु संतों का जत्था राम मंदिर की तरफ रवाना होना शुरू हो गया है। तो चलिए अब कश्मीर की तरफ चलते हैं और मौसम के बदले मिजाज की बात करते हैं। तो मौसम के बदले मिजाज से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर एक तरफ कश्मीर घाटी में अब जनजीवन भारी बारिश की वजह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और घाटी में कई जगहों पर नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। रिहायशी इलाकों की बात करें तो पानी भरने से प्रशासन ने रिहायशी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश पड़ रही है उससे जनजीवन पर जो असर है वो सामने देखने को मिल रहा है। नदी नालों की बात करें तो नदी नाले भी उफान पर हैं और छोटी छोटी जगहें हैं जहां पर, और खासकर जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर पॉपुलेशन रहती है वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ यहाँ पर अब देखना ये होगा कि लोगों को ये जो अलर्ट जारी किया गया, एडवाइजरी जारी की गई है, इसका कितना ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं और पिछले 3-4 दिन से जो बारिश हो रही है उसका राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सीधा असर देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम रिहायशी इलाकों की बात करते हैं तो रिहायशी इलाकों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और नदी नालों में पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से यातायात भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और यातायात प्रभावित होने के साथ साथ जितने भी रिहायशी इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है इसके बाद से, क्योंकि कश्मीर के वेदर की बात करें तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले से ही अटकलें लगाई थी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो मौसम है वो खराब हो सकता है और बुधवार तक जो मौसम है इसी तरीके से रहेगा, जहां पर पिछले 3-4 दिन से बारिश लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि पर्यटकों के हवाले से बात करें तो पर्यटक कश्मीर में सर्दी का ही लुत्फ उठाने आते हैं, लेकिन जो आम जनजीवन है वहां पर वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और जहां पर खासकर बात करें रिहायशी इलाकों की, रिहायशी इलाकों में अलर्ट को भी जारी किया गया है ताकि किसी तरीके की कोई नुकसान यहां पर ना हो। आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में कि नदी नाले जो है वो उफान पर नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से अब प्रशासन द्वारा अलर्ट और एडवाइजरी को भी जारी किया गया है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो इरफान से जानते हैं, इरफान आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कश्मीर से इस बारिश की वजह से क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ज्यादा बारिश होने की वजह से आम लोगों को परेशानी देखने को मिल रही है? बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी। अगर बात करें तो मौसम के साथ साथ मौसम का मिजाज जो है वादी कश्मीर में बदला है, और इस बीच अगर बात करें तो कई सारे जो नाले हैं, कई सारे जो झीले हैं वहां पर पानी का बहाव भी जो है वो काफी बढ़ रहा है। इनफैक्ट अगर मौसम के साथ साथ मौसम महकमियात की बात करें तो उनका मानना है कि आज दोपहर के बाद ही मौसम वादी कश्मीर में साजगार होगा, आफ्टरनून के बाद ही थोड़ी थोड़ी धूप निकलेगी। जबकि इस वक्त बारिश के मामलों को लेकर ही बात करें तो नदी नालों में जो पानी जमा हुआ है उसकी वजह से लोग काफी ज्यादा पैनिक में भी आ गए हैं। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी का भाव बढ़ चुका है और काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। बात अगर करें शहर के साथ साथ हसास इलाके बेमना इलाके से अभी ये खबर आ रही है कि वहां पर पानी का तेज भाव बढ़ने की वजह से जो है पानी घरों तक भी पहुंच चुका है, जिसके लिए फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें
उन तक इस बात को पहुंचाया जा रहा है कि वो उनकी टीमें आखिरकार वहां तक पहुंची क्यों नहीं है। मगर दूसरे एंड से जब हम डिपार्टमेंट के एंड से बात करें तो जितने भी उनके अफसरान है, जितनी भी उनका मैन पावर है, उनका मानना है कि टीम्स को डिप्यूट कर दिया है। मैं इस वक्त रिवर जहलिम जो कि लाल चौक के कनेक्टेड एरिया के साथ एक बड़ा सा जहलिम है, वहीं पर मौजूद हूँ। और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे कि इस वक्त रिवर जहलिम का जो लेवल है वो किस तरीके का है। आप थोड़ा सा इस विजुअल्स के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं पल्लवी कि यहाँ पर जो है पानी का बहाव जो है अब धीरे धीरे कम हो रहा है, जबकि पानी का बहाव जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जितने भी लोग यहाँ रहते हैं दाएं बाएं उनको लग रहा था कि कहीं हालात फ्लड्स को लेकर ना आए। अब जबकि बात इस वक्त फ्लड महकमे इरिगेशन डिपार्टमेंट के एंड से ये आ रही है कि गॉज लेवल जो है वो कंट्रोल्ड है, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लेवल बढ़ रहा था लोग सोच रहे थे शायद खुदा ना खास्ता ये पानी का लेवल अगर बढ़ेगा तो क्या ये 2014 के मामला तो नहीं खड़ा कर देगा, जबकि ये बात क्लियर हो गई है कि फ्लड के मामला नहीं है और धीरे धीरे पानी का बहाव जो है वो कम हो जाएगा और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि शहर के हसास इलाके जो कि लाल चौक, रामबाग, नटीपोरा, बागी माता, गुलशन नगर या इसके साथ साथ अगर मैं एयरपोर्ट के साइड से बात करूं हुमामा हैदरपोरा, वहां पर ड्रेनेज फेलियर की वजह से लोगों को चलने फिरने में काफी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार कह सकते हैं कि वो इल्जाम लगा रहे हैं, सवालात खड़े कर रहे हैं म्युनिसिपैलिटी को लेकर, यूडी को लेकर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क को लेकर कि आखिरकार ड्रेनेज के मामला क्यों इतने खराब हैं, अभी तक ड्रेनेज सिस्टम को ठीक क्यों नहीं किया गया है, जिसकी वजह से चलने फिरने में लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है। पल्लवी, बिल्कुल इरफान, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक तरफ अगर हम टूरिज्म के हवाले से बात करते हैं तो बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं वो कश्मीर की तरफ आ रहे हैं और ठंड का लुत्फ उठाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाकी स्टेट्स की बात करते हैं वहां पे मौसम बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, उस बीच कश्मीर की तरफ लोग आ रहे हैं, तो टूरिज्म के हवाले से ये जो मौसम में तब्दीली हो रही है कितनी ज्यादा बेहतर है? देखिए, एक साइड से अगर मैं बात करूं सियाहत को लेकर तो सियाहत के लिए तो अच्छा है, क्योंकि बाहर नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा गर्मी है तो लोग गर्मी के मारे जो है वो कश्मीर की सैर कर रहे हैं, मौसम यहाँ अच्छा है, दूसरे साइड से वो लुत्फ उठा रहे हैं, सियाहत को भी बढ़ोतरी मिल रही है। मगर अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर हम देखेंगे, अपर रीचेस में बर्फबारी भी हुई है, अमरनाथ केव में बर्फबारी हुई है, गुलमर्ग के अपर रीचेस पर बर्फबारी हुई है, सोनमर्ग में बर्फबारी हुई है, सिद्धन टॉप में बर्फबारी हुई है, इसका लुत्फ तो सयाह उठा रहा है, मगर जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए मौसम की मार की वजह से आम लोग काफी परेशान है। एक साइड से अगर देखेंगे ये वो भी एक मनाजिर थे जब खुशहाली पड़ रही थी तो लोग सोच रहे थे कि पैडी फील्ड्स में खुशहाली है, फसल का होगा क्या, अब रहमत बरसी है तो उनको काफी खुशी मिल रही है। मगर दूसरे साइड से अगर देखेंगे इस बारिश ने थोड़ी सी आफत भी खड़ी कर दी है, क्योंकि जब हम देखते हैं नॉर्मल लेवल पे जो पब्लिक लाइफ होती है उसमें काफी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदारान जो है सरकार है, जिम्मेदारान डिपार्टमेंट है, जिन पर सवाल है निशान इस वक्त खड़े हो रहे। जी बिल्कुल इरफान, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, ये भी देखने को मिला कि अलर्ट जारी किया गया है नदी नालों में, जिस तरीके से पानी भरता जा रहा है उसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, तो ये एडवाइजरी रिहायशी इलाकों में जो लोग नदी नालों के पास रहते हैं उनके लिए किस तरीके से फिलहाल जो है वो पूरे इंतजाम किए गए हैं? देखिए, नदी नालों की बात करें तो मैं फिर से आपको थोड़ा सा विजुअल दिखाना चाहूंगा, मेरे वीडियो चैनल समीर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, मैं रिवर जहलिम के बिल्कुल नजदीक की सतह पर मौजूद हूँ जहाँ पर हाउस बोट्स भी है, जहाँ पर है जो कि रिवर जहलिम में जहाँ पर जो लोग रहते हैं इस पे ये सियाहत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और पब्लिक अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं, आम लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं, मगर एडवाइजरी के मामला तो जारी कर दिए गए हैं और ये भी बताया गया है जो हिली एरियाज पे कोई रहता है या जहां पर लैंडस्लाइड्स या स्टीप जहां पर सैलाब के जो खतरात रहते हैं या शूटिंग स्टोन्स के मामला रहते हैं, तो इस एडवाइजरी को लेकर लोगों को अवेयर कर दिया गया है कि वो एरिया से प्रोन एरिया से थोड़ा सा दूर रहे, वहां पर इस वक्त ना रहे, क्योंकि हो सकता है कि अगर वहां पर पानी का बहाव बढ़ जाता है या लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है खदशात, जाहिर सी बात है वहां पर लोग परेशान के मामलात में भी जुड़ सकते हैं, तो फिलहाल एडवाइजरी को लेकर फोन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं, पुलिस स्टेशन के जितने भी कनेक्टेड फोन नंबर्स हैं, हाउस स्टेशन ऑफिसर्स के उनके कनेक्ट कर दिए गए हैं और स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी स्पेशल टोल फ्री नंबर जो है उसे भी लागू कर दिया गया है और उसे भी लोगों को तो बताया गया है कि अगर उनको लगता है कि कहीं उनको SDRF की टीम्स की जरूरत है या कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को टीम की जरूरत है तो उन पर वो इत्तला कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ताकि उनकी मदद वहां पर की जाए। तो ये भी कह सकते हैं कि मौसम फिलहाल बदला बदता है, बारिश का सिलसिला जारी है, अब देखने वाली बात पल्लवी देखनी होगी कि दिन ढलते ही मौसम जो है कह सकते हैं कि जो साजगार होगा और उसके बाद लोगों को कितनी राहत की सांस मिलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, तमाम जानकारी देने के लिए कश्मीर से।
तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इरफान, और वहीं पर हमें देखने को मिल रहा है कि कश्मीर में जो मौसम है वो किस तरीके से तब्दीली लेता जा रहा है। हालांकि अब जो जलस्तर है वो नदी और नालों का वापस से नॉर्मल होता जा रहा है। और चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो आज दूसरे दिन भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, क्योंकि बारिश में जिस तरीके से मौसम तब्दीली लेता हुआ नजर आ रहा है उस बीच देखने को ये मिल रहा है कि लैंडस्लाइड होने की वजह से अब यातायात पर रोक लगाई गई है और एहतियातन तौर पर जो रोक है वो लगाई गई है। उसी के साथ ऐसे ऐतिहासिक मुगल रोड पर भी यातायात पर रोक लगा दी गई है। मुगल रोड पर बर्फ और पसियां गिरने की वजह से अभी काम जारी है, बर्फ को हटाया जा रहा है, पसियों को हटाया जा रहा है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज दूसरे दिन भी लगातार बंद रहा। और इसी के साथ भूस्खलन होने की वजह से ये यातायात को रोका गया है। और जिस तरीके से मौसम देखने को मिल रहा है, बारिश देखने को मिल रही है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड होना बहुत ही ज्यादा आमूमन है। और हमेशा ये देखने को मिलता है कि थोड़ी सी भी बारिश की वजह से जो सीधा असर है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऐतिहासिक मुगल रोड भी बंद कर दिया गया है, ऐतिहासिक मुगल रोड पर भी जो यातायात है उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि बर्फ और पसियां हटाने का काम जो है वो मुगल रोड पर किया जा रहा है। और इसी के साथ आपको बताएंगे नेशनल हाईवे पर जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। हालांकि लाइटर मोटर व्हीकल्स को निकालने का जो एक प्रावधान है वो रखा जाता है, एक जरिया होता है निकालने का, लेकिन जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं यानी कि जैसे ट्रक्स हैं और उनको रोका जाता है जब तक ये लैंडस्लाइड्स को हटाया नहीं जाता पूरे तरीके से। और लैंडस्लाइड्स को हटाने का काम प्रशासन द्वारा जोरों शोरों से किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दो दिन से नेशनल हाईवे बंद है। नेशनल हाईवे लाइफलाइन रहती है किसी भी स्टेट की, लेकिन जब वो बंद रहता है उससे काफी ज्यादा भारी नुकसान देखने को मिलता है। और वहीं पर आज दूसरे दिन ये जो रास्ता है ये बंद है। और जहां दूसरी तरफ मुगल रोड की बात करें तो मुगल रोड पर बर्फ और पसियों को हटाने का काम किया जा रहा है, और इस काम में दिन रात तो देखने को मिला कि प्रशासन जो है वो पसियां हटाने का काम कर रही है, लेकिन मौसम उनका साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और मौसम जिस तरीके से बारिश पड़ती जा रही है उसी बीच कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से जो लैंडस्लाइड है वो बहुत ही ज्यादा नेशनल हाईवे पर देखने को मिलती है। और रामबन बनिहाल सेक्टर की आप तस्वीरें देख रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ मुगल रोड की तस्वीरें आप साफ अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों जो रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं क्योंकि लैंडस्लाइड्स की वजह से, यानी कि पसियां गिरने की वजह से ये जो रास्ते हैं इसे बंद किया गया है। और पसियों को हटाने का काम हालांकि किया जा रहा है, क्रेन्स लगाई गई हैं, पसियों को हटाने का कार्य किया जा रहा है, बर्फ को हटाने का कार्य मुगल रोड पर किया जा रहा है, लेकिन अब ये रास्ते कब खोले जाते हैं ये देखना होगा, और कितना और वक्त लगता है प्रशासन को इन लैंडस्लाइड्स को हटाने के लिए वो भी देखना है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर नदीम जुड़ चुके हैं, तो चलिए आइए पहले नदीम से जानते हैं। नदीम, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि रामबन के पास के जो हाईवे का इलाका है वहां पर किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। पदवी में आपको एक चीज बता दूं कि मौसम खराब होने के साथ हाईवे का हाल ही जो हालात है, जहां आप देखिए कई जगह ऐसी भी है जहां पे अभी जो शूटिंग मिल रहा है वहां मुश्किल है। बारिश का लगातार बरसना कहीं ना कहीं रोड क्लियरेंस में मुश्किल खड़ी कर रहा है। अगर कि क्लियरेंस एजेंसी की बात करें, क्लियरेंस एजेंसी की तरफ से ट्रैफिक हुकाम की तरफ से कोशिश तो की जा रही है कि जल्द से जल्द रोड को मोटरेबल बनाया जाए, लेकिन जहां देख रहे हैं कि मौसम खराब है और इस बीच रोड को क्लियर करना भी एक चैलेंजिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कहें क्योंकि कल दिन भर अगर से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर वेहिकुलर मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रहा था, जहां पर गाड़ियां दोनों अतराफ से चल रही थी, इसमें एलएमवी और एसएमवी दोनों ही तरह की गाड़ियां शामिल है। लेकिन आज हम देखे क्योंकि कल शाम देर गए जब हम देखा पंचाल के मकाम पर शूटिंग स्टोन का सिलसिला देखने को मिला, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला रामसो को देखे हम, अनोखी फाल या फिर मारू गए, हमारे पास काफी सारे मकाम ऐसे हैं। डुगी पुली को अगर हम देखें, ढलवास हमारे पास ऐसा है, या फिर हम अगर चनहनी टनल के उस पार यानी चनहनी और उधमपुर के बीच की बात करें तो वहां पे देवगुल ब्रिज जो हमारे पास है, समरोली का इलाका हमारे पास है, और उस एरिया के कहीं ना कहीं बंद होने की वजह से जो रोडक स्क्वाड की गाड़ियां अक्सर जो है मौसम खराब के दौरान भी चलती थी, लेकिन आज हम कहें क्योंकि जो डाउन ट्यूब है चनैनी और उधमपुर के बीच, क्योंकि वहां पर फोलेनिंग का जो काम चल रहा है, डाउन ट्यूब पूरी तरह से जो है बह गई है, और जब तक वो क्लियर नहीं होगा क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा शूटिंग स्टोन भी हो रहा है, यानी ये चीज क्या श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के बंद होने के साथ साथ डोडा किश्तवाड का जो हाईवे है वो भी बंद हो गया है। अगर ये मौसम एकदम खराब है, बारिशों का सिलसिला अभी भी देखने को मिल रहा है, हालांकि प्रेडिक्शंस के मुताबिक आज बाद दोपहर से मौसम में बेहतरी देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बारिश का सिलसिला हमें देखने को मिला है, जिस वजह से हाईवे के साथ साथ डोडा किश्तवाड़ रोड भी बंद है। क्लियरेंस एजेंसी क्लियरेंस का काम अंजाम देने में पूरी कोशिश कर रही है,
लेकिन कहीं ना कहीं ये काम चैलेंजिंग है। अभी ये कहना डबल एज ऑफ सुबह की कब तक रोड मोटरेबल होगी, कब इस पर गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। हालांकि ट्रैफिक प्लान की जहां बात करें, ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आज तो किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। अगर से रोड को मोटरेबल बनाया जाता है, मौसम साजगार होता है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ स्टैंडर्ड व्हीकल्स को ही अपने अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलने की इजाजत मिलेगी। जी पल्लवी, बिल्कुल नदीम, आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या एडवाइजरी जारी की गई है, कोई और इमरजेंसी नंबर, क्योंकि जो लोग हाईवे पर फंस रहे हैं उनके लिए कोई इमरजेंसी नंबर यहाँ जारी किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए पल्ली, जहां हम कल रात की बात करें, क्योंकि जब पंडाल बंद हुआ तो उसके बाद जेकेपी और सिविल कवाटी रामबन एसडीआरएफ के जो लोग हैं या फिर हमारे पास हिमालयन कवाटी है, तमाम जो वॉलंटियर्स थे अलर्ट पर थे, और वो तमाम लोगों ने जो भी गाड़ियां कहीं ना कहीं हाईवे पर फंसी हुई थी उन्हें सेफ जोन की तरफ मूव किया गया है। और जहां भी हम देखे, क्योंकि उन्हें की नाइट अकोमोडेशन के खाने पीने के इंतजाम किए गए थे जिला इंतजाम की तरफ से, और जो इमरजेंसी नंबर है वो नंबरात जिला पुलिस रामबन की तरफ से भी जारी किए गए, और यहाँ की जो वॉलंटियर्स जो एनजीओ है उनके वॉलंटियर्स की तरफ से भी इमरजेंसी नंबरात जो है रास्ता नंबरात जारी किए गए हैं। अगर किसी भी कोई मुश्किल होती है तो वो नंबर पे कॉन्टेक्ट करके, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए से वो नंबरात जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, कि अगर किसी को कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो वो जो है कॉन्टेक्ट कर सके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ, और जो एनजीओ है यहाँ की जिनके वॉलंटियर्स हैं उनके साथ, ताकि उनकी जो है भरपूर मदद की जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम, और वहीं पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि जो पूरे तरीके से प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, तो वहीं पर चलिए अब हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेद यहां जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हाईवे बंद होने से जो प्रभावित असर देखने को मिल रहा है हमें। और आपसे जमशेद ये जानना चाहूंगी मैं कि नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से, खासकर पुंछ राजौरी की बात करते हैं, तो बेसिक नेसेसिटी की हर बार वहां पर किल्लत देखने को मिलती है जब भी नेशनल हाईवे बंद रहता है, और अब दो दिन हो गए हैं नेशनल हाईवे को बंद होने से, तो किस तरीके से परेशानियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, जिस तरह देख रहे हैं कि कल ही प्रशासन की तरफ से या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया था कि मुगल रोड को कल एहतियातन तौर पर थोड़ी देर के लिए बंद किया गया था, क्योंकि लगातार पिछले चार दिनों से बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है, और कई इलाकों में बाढ़ जैसी सूरत हाल भी देखने को मिली, और कई इलाके ऐसे भी हैं जहां आज भी लोग सैकड़ों की तादाद में फंसे हुए हैं, जिनके निकालने के लिए सेना का भी इस समय जरूरत सेना को लाया गया है। इस तरह अगर मुगल रोड की हम बात करें तो मुगल रोड कल जिस तरह शाम को प्रशासन की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उसको एहतियातन बंद कर दिया गया था, मगर आज सुबह कुशाना के मुकाम पर लगातार पस्सी गिरने के बाद इस रोड को आज गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। अभी तो किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं है, और प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं कि जिस तरह के हालात बने। हालांकि इस वक्त मौसम में जरूर थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिली है, चार दिन बाद ऐसा मौसम दोबारा देखा, हालांकि सुबह से बहुत ज्यादा बारिश थी, मगर इस वक्त थोड़े से मौसम में तब्दीली है, मगर प्रशासन की तरफ से एडवाइजरियां भी जारी कर दी गई है, और मुगल रोड इस वक्त गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दी गई है जब तक इससे मलबा हटाया नहीं जाता। पल्लवी जी बिल्कुल, जमशेद आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगी कि अब क्या कुछ लग रहा है, कितनी देर तक जो है मुगल रोड को बंद रखा जाएगा, क्योंकि जहां एक तरफ नेशनल हाईवे बंद है दूसरी तरफ मुगल रोड को भी बंद किया गया है और पसिया हटाने का काम किया जा रहा है। अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये कहना है कि आज दोपहर के बाद मौसम साफ हो जाएगा, तो वापस से यातायात कब तक बहाल किया जाएगी? बिल्कुल, अगर मुगल रोड की हम बात करें तो यहाँ लगातार अभी भी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है, और बारिश के दौरान क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के कारण लगातार पत्थर भी ऊपर से आना शुरू हुए थे, कल शाम को हमने देखा था, उसके बाद गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। अब यहाँ से पहले मलबा हटाने का काम शुरू किया जाएगा, और उम्मीद है शाम तक ये मलबा हटा लिया जाएगा, क्योंकि इस जगह से मलबा हटाना के सिलसिला जो शुरू किया जाएगा बहुत ज्यादा रिस्की इलाका है, खास करके कुशाना से लेके पीर की गली तक अगर बात करें तो ये बहुत डेंजरस पार्ट माना जाता है मुगल रोड का, और इससे मलबा हटाने का काम जरूर शुरू किया गया था, मगर अभी तक पूरी तरह मलबा इससे नहीं हटाया गया, और मौसम अगर रहा खुशगवार तो उसके बाद मलबा हटा के उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक रोड को बहाल किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद तमाम जानकारी देने के लिए आपका इस पूरी खबर पर। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेद मलिक, और वहीं पर मुगल रोड को यातायात को खोलने के लिए वापस जो कार्य है वो किया जा रहा है। तो चलिए आइए अब सांबा की तरफ चलते हैं। आपको बता दें कि चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, और सांबा जिले की बात करें तो दिन रात यहां पर पुलिस द्वारा जो कार्य है वो किया जा रहा है, और पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है क्योंकि चोर लगातार अलग अलग जगहों पर चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिले के बड़ी ब्राह्मणा में एक ही मोहल्ले में एक रात में तीन चोरियों की वारदात जो है वो सामने आई है, जिसमें कि तेली बस्ती में तीन दुकानों पर चोरों ने सेंध लगाकर सारा माल उड़ा दिया है,
उसके बाद से अब पुलिस पर यहाँ सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक ही रात में तीन चोरियां होना और एक ही इलाके में तेली बस्ती की में तीन दुकानों पर जो चोरियां हैं वो लगातार होती गई, और उसके बाद से अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो तमाम जानकारी के लिए ऋषि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ऋषि से जानते हैं, ऋषि आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक ही रात में तीन चोरियों की वारदातें सामने आई है और इससे पहले भी ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आई, तो अभी तक पुलिस ने कोई कार्य क्यों नहीं किया, क्या कोई चोर पकड़े गए अभी तक? मैं आपको बता दूं कि अगर पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर बात करें तो लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं कि जिस तरह से चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, और खासतौर पर अगर जिला सांबा का मैं बड़ी ब्राह्मणा इलाका कहता हूं तो बड़ी ब्राह्मणा इलाका जो कि हब बन चुका है चोरियों का, तमाम अलग अलग तरह की वारदातें यहाँ पर पेश आ रही है, इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है। और पिछले दिनों में आपने देखा कि एक चोर को लोगों ने पकड़ा और उसके पास से एक स्कूटी भी बरामद की जाती है, उसे रंगे हाथों जो है वो चोर को पकड़ लिया। लेकिन जिस तरह से देर रात को तीन अलग अलग दुकानों पर जो है वो चोरी होती है, बताया जा रहा है कि एक दुकान से लगभग 10 से 12 हजार रुपए चोरी किए गए, एक दुकान से लगभग 90 से 95 हजार और एक की दुकान से लगभग 5 हजार के आसपास। इसमें से बताया जा रहा है कि दो तो साइबर कैफे हैं और एक बताया जा रहा है कि कोई फास्ट फूड है। तो ये तीन दुकानें टारगेट हुई है, तो बड़ी ब्राह्मणा लगातार सुर्खियों में है और दावा कर रही है कि हम चोरों की धरपकड़ करने में हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ प्रयास यहाँ नाम मात्र साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और चोरों की धरपकड़ कम देखने को मिल रही है। लोगों में डर और खासतौर पर तमाम वो लोग जो इस समय छुट्टियों का सीजन चल रहा है, तो छुट्टियों में लोग अपने घरों को ताला देकर अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लेकिन जब चोर पीछे से उनके घरों पर सेंध लगाकर चले जाते हैं, तो यहाँ पर एकदम सही, यहाँ पर चोरी की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए इन घटनाओं पर। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, और वहीं पर आपको बताएं कि बड़ी ब्राह्मणा में लगातार एक ही रात में तीन चोरियों की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद से पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं पर आपको बताएं कि अब जाकर पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है वो देखना जरूर होगा। तो चलिए, अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।